ये पहला रिएक्शन सर आ गया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का। उत्तर प्रदेश के विधानसभा उपचुनावों में भाजपा एनडीए की विजय, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के यशस्वी नेतृत्व और मार्गदर्शन पर जनता जनार्दन के अटूट विश्वास की मुहर है। देखिए भारतीय जनता पार्टी की, एनडीए की, और उसके ऊपर जनता जनार्दन तो देखिए वो सबसे ऊपर है ही। आगे लिख रहे हैं वो, ये जीत डबल इंजन सरकार के सुरक्षा, सुशासन और जन कल्याणकारी नीतियों तथा समर्पित कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम का सुफल है। कार्यकर्ताओं को नीचे वाला पढ़िए पहले। उत्तर प्रदेश के सुशासन और विकास को अपना मत देने वाले उत्तर प्रदेश के सम्मानित मतदाताओं का आभार, और सभी विजयी प्रत्याशियों को हार्दिक बधाई। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। देखिए जिस मोदी योगी कॉम्बो की बात होती है ना, वो यहाँ है। और देखिए मैं फिर कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने जो किया है वो अकल्पनीय है। भले 9 सीटों के विधानसभा उपचुनाव हो, और जब हम लोग पहले दिन चर्चा किए थे, आपको ध्यान में होगा कहानी कुर्सी की में, तो अलग अलग राय थी कि एक मुख्यमंत्री को क्या इस तरह से उपचुनाव में अपनी प्रतिष्ठा दांव में लगानी चाहिए, क्या इस तरह से उतर के हार गए तो क्या होगा, समाजवादी पार्टी का तो बढ़त है, मुस्लिम सीटें 30-40% तक वाली। उन सब के बावजूद योगी आदित्यनाथ उतरे, बटने नहीं दिया, कटने नहीं दिया। और तो अब ये 2027 तक का नारा तो पक्का हो गया, निश्चित तौर पर इसमें अब कोई भ्रम नहीं। अब एक और बात मैं कह दूं, योगी आदित्यनाथ को कई बार कहा जाता है ना कि वो पुलिस तो ठीक है, कानून व्यवस्था तो ठीक है, प्रशासन पर उतना नियंत्रण नहीं है। इन परिणामों के बाद मैं एक लाइन जोड़ता हूं, योगी आदित्यनाथ प्रशासन को नियंत्रित करना भी बहुत अच्छे से जानते हैं। आप अखिलेश जी की जुबान में बोल रहे हैं? नहीं, अखिलेश जी तो खैर उनकी जुबान तो थोड़ा प्रशासन को ठीक रखना जानते हैं वो। ये जरूरी है ना, अगर